भाई ये जो गाय है अमेरिकन नस्ल, भाई आप लोग देखा होगा ये अमेरिकन नस्ल की पहली बारी गाय देखा है जो ताई भाई ये दूध गार रहे हैं। ताई भाई ये जो दूध देती है पूरा बाल्टी भर देती है 20 लीटर। वाव वाव, मुझे बहुत ही ये गाय पसंद लगी, बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी कुछ बताना चाहते हो बताइए ताई भाई। क्या बताऊँ, इसको हमारे पास 4-5 साल हो गए। अच्छा बोल दे रहा, ये 4-5 साल से ताहिर भाई के एक ही हाथ में है गाय। काफ़ी वो 20 लीटर दूध देती है, बहुत ही अच्छा सुन के लगा। अल्लाह से दुआ करूँगा, बिल्कुल वाइट ओरिजिनल। आप लोग देख सकते हैं कि ताहिर भाई किस तरह से दूध दूरे हैं। काफ़ी 10-15 भैंस भी है ताहिर भाई के, अभी उनका भी मैं शो कराऊँगा आप लोग को। पहले अमरीका नस्ल गाय जो है, देखिए कितना प्यार जता रही है, अपने बच्चे को भी प्यार जता रही है और दूध कितने आराम से दे रही है। यही देख के मैं तज्जुब लग गया कि काफ़ी अच्छा दूध गार रहे, बच्चे से प्यार कर रही है, कोई ये झड़पा झाटी नहीं, काफ़ी अच्छा। ये अमेरिकन नस्ल गाय, तो भाई ताई भाई गाय की खासियत कुछ बताओ। गाय की खासियत ये, जितना इसको 3 टाइम खिलाओ पिलाओ मिलाओ उतना ही ये फालतू दूध देती है। अच्छा वाह वाह, सही देख लिया दर्शक भाई लोग, आप लोग के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, किस किस जगह पर आना पड़ा। वीडियो ताहिर भाई ने बहुत रिक्वेस्ट किया हमसे कि हमारा इधर करो, देख लीजिए भाई इधर से देखो, ये दो कार भी खड़ी है इधर और ऊपर से मेट्रो जाती है भाई, आप लोग को दिखा दिया। और इधर देखिए नहर भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा सीनरी। अभी तो हम लोग का शुरुआत हुआ जो मैं कर रहे हैं, इधर लड़के लोग खेलते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। इधर फिर आ जाइए अपनी अमरीका नस्ल गाय को देखिए, ताई भाई पूरा बाल्टी भरते हैं भाई, याकी में यार यकीन नहीं होता ये गाय का, बहुत ही अच्छा भाई साहब। जो भी अभी कुछ अभी और थोड़ा भैंस का भी ताई भाई बताएंगे कुछ, काफ़ी अच्छा ये, आप लोग पूरा एंड तक वीडियो देखें, काफ़ी अच्छा लगेगा। और समीर लव ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, धन्यवाद। देखिए काफ़ी इधर तो आने में तो मुझे बहुत दिक्कत हुआ, जो सामने लड़का लोग रोक लिया मुझे, यहाँ का कैमरा करो वहाँ का कैमरा करो, मैं बोला नहीं ताई भाई के लिए आए हैं सिर्फ, पहले ताई भाई का ब्लॉग बना के। हाँ देखिए बताइए ताई भाई, देखिए ये 15 लीटर की बाल्टी है, 15 लीटर की बाल्टी है, कुछ ही मिनट में भर दिया बाल्टी, कुछ ही मिनट में बाल्टी भर दिया यार आप लोग के सामने, काफी अच्छा। देख लीजिए भाई साहब इनके बच्चे को देख लीजिए, एक बच्चा वो भी उसी गाय का नस्ल, हाँ नस्ल बच्चा देख लीजिए, ये है इसी की नस्ल है, इसके ही नस्ल है बच्चा, जो इसी की बचिया हुई है। तो हाँ देखिए दूध, ये बाल्टी फुल कर दिया, देखिए ये बाल्टी फुल कर दिया ताहिर भाई, लेके जा रहे हैं साइड में रखने के लिए, ऊपर अपने इसमें टांग दिया कोई गिरा ना सके, काफ़ी अच्छा ताहिर भाई, अच्छा लगा ताहिर भाई का। ये एक बार अमेरिकन नस्ल गाय का जो बच्चे दूध पी रहे फिर से, कि मम्मी का दूध पी रहा है तो ज़्यादा करके दूध और छोड़ेगी। हाँ ताहिर भाई इधर दिखा दीजिए भैंस का, ताहिर भाई कुछ दिखाना चाह रहे तो अभी, और भैंस नहर में भी है। हाँ 15 भैंस है नहर में भी नहा रहे भाई, अभी नहर में भी नहर पे पानी में, गर्मी है ना इधर ज़्यादा गर्मी है इसलिए थोड़ा कुछ पानी में डूबे हैं, अच्छा लगता है। देखिए ताई भाई देखिए काफ़ी अच्छे से ही कर रहे हैं भैंस को, देखिए आप लोग ये भी देख लीजिए, आप लोग को देखने में यदि ताहिर भाई जो ये भैंस दिखा रहे हैं, इन भैंस का क्या नाम है ताहिर भाई? नाम तो कुछ नहीं है फिलहाल तो, ये भैंस आई थी ताहिर भाई के पास 1,20,000 में, तो ताहिर भाई एंसुरस हुआ बड़ा भैंस, एंसुरस ये बड़ा भैंस है।
ये वाला काम देखिए आप, ये क्या है तहिल भाई इसको? ये बिल्ला है, मोहर होती है सरकारी, मोहर होती है सरकारी भैंस की। जो भैंस इस भैंस को दिखा दिया आप लोग को कहीं देख नहीं पाएंगे कान की तरफ से। तो ये भैंस आई थी 1 लाख की, 1,20,000 की। तो भैंस अभी फिलहाल इसका कितना कीमत हो जाएगा? 80,000। काफी अच्छा ये दूध देती है 12 लीटर। अभी फिलहाल दूध दे रही है ये 12 लीटर जो ताई भाई ये कर रहे हैं। अच्छा लगा ताई भाई? और इधर भी अभी 2-3 भैंस बंधी हुई है, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए काफ़ी सारा उधर भैंस रखा हुआ है, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। हाँ, जो जिसका दूध निकलता है वो अंदर आके इधर ताई भाई दूध देते हैं। देखिए बच्चे लोग खेल रहे हैं, खूब मस्ती है इधर। थोड़ा मेट्रो के इधर से छाया मिल जाता है लोग बाग को, नहीं तो गर्मी काफ़ी दिल्ली के इधर। ये ओखला विहार C13 पट्टी पड़ता है जो ताई भाई रहते हैं। आप लोग को जो कॉन्टैक्ट नंबर उम्बर देने का इसमें मेंशन कर दूंगा, जिसे जो ओखले के अंदर में दूध चाहिए तो ताहिर भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर मेंशन कर दूंगा, कर रहूँगा, नीचे ये नंबर लिखा हुआ है। गाय का भैंस का सबका दूध मिलेगा। ताहिर भाई बता दीजिए कितना लोगों का भीड़ होता है दूध लेने के लिए? गाय का दूध का रेट है 60, भैंस का रेट है 70। और कितने लोग लाइन धर के रहते हैं आपके घर पे? अभी आने वाले कस्टमर। हाँ, तो कस्टमर लोग का कुछ बात कर सकती है क्या वीडियो पे? अभी तो कस्टमर है ही नहीं। अभी है नहीं, थोड़ा देर में आएंगे, देखता हूँ जो भी टाइम मिलेगा तो हम लोग बात कर सकते हैं। एक और भैंस का दूध दूर है तारीख भाई, जो बहुत ही अच्छा दूध देती है, बहुत ही अच्छा। थोड़ा कैमरा मैंने मोबाइल सीधा कर दिया था, आप लोग से सॉरी चाहता हूँ। ये भैंस का दूध दूर है 12 लीटर जो देती है, काफ़ी अच्छा। देखिए भैंस है जो कैमरे में आने के लिए छटपट कर रही है, देखिए काफ़ी अच्छा लगा आकर यहाँ, अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा। साइड में हो जा बेटा, वीडियो बनाओ सही। देखिए कितने मैंने इधर 3 अंकल हैं, तीनों दूध दूते हैं भैंस के। आप लोग को तो बहुत बड़ा ये ब्लॉग बना के दिखाया, बहुत मेहनत करके आप लोग को अच्छा लगे। ये देखो ये काफ़ी अच्छा दूध, जो भी दर्शक से पूछ रहे हैं अच्छा लग रहा है। बता रहे दूध में नहीं है ना, ये देखे बोल देखिए देखिए आप लोग दिखा रहा हूँ किस तरह से कैमरा करते, काफ़ी बहुत ही मेहनत लग रहा है। दिखता जाते हैं दूध देने भी, पर कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगता है। ये सब भैंस का दूध देने के चक्कर में बहुत काफ़ी अच्छा। और देख सकते हैं एक छोटी ऐसी लड़की दूध लेने के लिए काफ़ी देर से खड़ी है, भूख लग गया है उसे दूध। बता रहे अभी ये देखिए अंकल थोड़ा माने ये जलाएंगे, जो भैंस लोग को मच्छर लग रहा है काफ़ी आराम से दूध देंगे। ये देख लीजिए अंकल जलाने का धुआं करने का कोशिश कर रहे हैं, जो काफ़ी मच्छर उड़ रहे हैं, मच्छर लग रहा है, काफ़ी आराम से दूध दे इसलिए। देखिए ये अंकल ने धुआं कर दिया कि भैंस लोग को थोड़ा मच्छर कम लगे, आराम से दूध दे देगा। ये देखिए देख नहीं पा रहे आप लोग, ये धुआं कर दिया है काफ़ी। अंकल आपको तो पता होगा भैंस के बारे में, कुछ बताइए। अंकल थोड़ा शर्मा रहे, कुछ बता ही नहीं रहे भैंस के बारे में। कोरोना के बारे में डरे हुए हैं, कुछ बता नहीं रहे। ये देखो इधर टंग गया दूध, और यहाँ है 1 ड्राम जो 20 लीटर का, ये ड्राम है, ये 20 लीटर का ड्राम भर गया है, थोड़ा खाली है, भर जाएगा। ये धुआं हो गया, ये देखिए भाई साहब जो अंकल धुआं करके गए थे
काफ़ी सारा धुआं लगा, काफ़ी भैंस का आराम मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं धुआं में कैमरा भी सही नहीं हो रहा है, पर आप लोग को तो काफ़ी अच्छा लगा होगा ये वीडियो, आशा करते हैं। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये ताई भाई 12 लीटर का पाल्टी, 15 लीटर का पाल्टी है, बन नहीं जा रहा, 12 लीटर एकदम कन्फर्म दूध देती है। और देखिए ये तरफ काफ़ी लड़की लोग आ गई है दूध लेने के लिए, देख सकते हैं आप भाई। दूध कैसा होता है ये भैंस का? अच्छा। और तुम्हें? अच्छा। देखिए काफ़ी थैंक यू बताने के लिए ताहिर भाई के, भैंस का अच्छा लगा। और ये देखिए पाल्टी भर गई ताहिर भाई, बिल्कुल आराम से दूध दिया ना। आराम से देती है, आराम हम लोग नहीं मारते, बैठते मार के भैंस को दूध। तो देखते हैं ज्योति, अभी काफ़ी कोई दूध लेने आएगी, जो देखते हैं कोई ज्योति हमारे बड़े लोग कुछ बताया तो इंशाल्लाह आप लोग को सूट करके दिखाऊंगा। देखिए बच्ची ने 1 किलो दूध ले लिया, बोले बहुत ही मुश्किल से मैंने ताहिर भाई लोग ने इसे दूध दिया, 1 किलो लिया। चल जा। देखिए जो ताहिर भाई दूध दे रहे हैं नाप के, और एक गाय है। अच्छा। पानी थोड़ी ना मिला रहे हैं। हाँ जाओ जा, पूरा जो प्रॉब्लम है बताइए। हाँ बोला ताई भाई, देखे कम से कम 8-9 भैंस का दूध दूध चुके, एक गाय अमेरिकन नस्ल गाय का भी दूध चुके, एक माने ये लास्ट है ताई भाई आपका लास्ट है, पंजाबी भैंस। कितना ये कितना लीटर देती है ये? अभी तो बच्चा देने वाला है, इसके नीचे 16 लीटर दूध है। 16 लीटर दूध देती है, काफ़ी अच्छा लगा ताई भाई। काफ़ी ये वीडियो तो आप लोग पूरा एंड तक देखेंगे, काफ़ी लंबा बना वीडियो। और आप लोग को जैसा लगे ये वीडियो के कमेंट नीचे में करें। और जिसको भी माने दूध का ज़रूरत हो हमारे ओखले के अंदर, तो ये नंबर है ताई भाई का, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 4-5 बाल्टी से दूध को ये किया, काफ़ी सारा दूध, कम से कम 50 किलो दूध देता है। काफ़ी अच्छा लगा ताई भाई का जो दूध देखे आप लोग, धन्यवाद ताई भाई हमारे समी लव ब्लॉग चैनल को अपने इसमें मेंशन।